Yes. Proteins number 2020, class 6, subject maths, topic knowing our numbers. Chapter 1, introduction. Date 14th September 2020, class 6, subject maths. Chapter 1, Introduction. Knowing our numbers, देखो होता क्या है ये numbers. पहले आपको introduction इस बारे में. कुछ ऐसे number होते हैं. के बारे में नॉलेज हो चुकी है. कुछ बड़े नंबर होते हैं, कुछ छोटे होते हैं. अब कुछ नंबर उसमें गिवन होते हैं, उससे आपको ये पता लगाना है. नंबर्स वैसे हमारे जो स्टार्ट है 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और इनसे हमें ये पता लगाना होता है इनमें कौन सा नंबर ग्रेटर है, कौन सा लीस्ट है, उनको हम कैसे लिखते हैं, न्यूमेरिकल में नंबर नेम्स में कुछ नंबर दिए होते हैं, उनसे कितने नंबर बना सकते हैं. इस तरह कई नंबर्स होते हैं. कुछ नंबर ऐसे होते हैं जिसको छोटे से बड़े के क्रम में लिखते हैं, उसको कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर. कुछ ऐसे नंबर होते हैं जिसको बड़े से छोटे के फॉर्म में लिखते हैं, उसको कहते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर. कुछ ऐसे नंबर होते हैं उसके भी उल्टे नंबर बताने होते हैं, उसके अवतल के नंबर बताने होते हैं, बिटवीन के नंबर बताने होते हैं. उसमें कुछ ऐसे नंबर आते हैं 1, 10, 100, 1000, 10,000, 10, 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
कुछ ऐसे नंबर होते हैं जिसको हम जैसे स्टैंडर्ड फॉर्म में इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमेरिकल्स में दो होता है, वो कहते हैं इंडियन सिस्टम, दूसरा होता है इंटरनेशनल सिस्टम। इंडियन सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम, इसके अलावा कुछ ऐसे भी नंबर होते हैं जिनके बारे में पहले तो मेन तो ये है कि ये नंबर कौन कौन से होते हैं जिसका हम यूज करते हैं। नंबर सात, के फॉर्म में, टेंस के फॉर्म में, हंड्रेड के फॉर्म में, टेन थाउजेंड के फॉर्म में, थाउजेंड के फॉर्म में, लैक के फॉर्म में, टेन लैक करोड़, टेन करोड़, इनके फॉर्म में हम लिखते हैं। अब इसमें आता है ये नंबर होते हैं इसमें वन से लेकर है, इसमें जो ग्रेटेस्ट नंबर है वन डिजिट नंबर है,
इसके बाद इनमें वैसे ही टू डिजिट नंबर है, थ्री डिजिट नंबर है, फोर डिजिट नंबर है, उनमें ग्रेटेस्ट डिजिट्स हम निकालते हैं। मिक्स करके भी आते हैं, इनमें आप देखो ग्रेटेस्ट कौन सा है, लेटेस्ट कौन सा है। ऐसे नंबर आते हैं उनको सेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना होता है। अभी वो आ जाएगा पहले असेंडिंग में लिखो। असेंडिंग का मतलब होता है सबसे छोटा बड़ा। असेंडिंग ऑर्डर में मैं सबसे छोटा पहले, फिर उससे बड़ा, तो ये हो गया असेंडिंग ऑर्डर में। अगर हम इसी को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है तो सबसे बड़ा पहले, तो इसको हम कहते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। इसके अलावा कुछ नंबर ऐसे भी होते हैं इसके बिफोर और इसके आफ्टर के नंबर के साथ। इससे आप पढ़ चुके हो 49 पहले जो होता है वो 48 है, बाद में जो होता है वो 50 होता है। कभी कभी दो नंबरों के बीच में तीसरा नंबर भी पूछा जाए तो 2 और 2 के बीच में भी होता है, ये नंबर है। और कुछ नंबर ऐसे होते हैं इसमें 100 भी होते हैं, 10,000 भी होते हैं, लैक भी होते हैं, एमएम भी होते हैं।
sound requirements. तो ये नंबर्स नहीं है ये इस तरह हम नंबर्स के लिए इसको कहते हैं कि सिस्टम। एक दूसरा आता है उसको हम कहते हैं इंटरनेशनल सिस्टम। उसमें क्या होता है जो होता है उसको हंड्रेड भी लिखा जाता है। और यहां जो तीन होते हैं उसको हम थाउजेंड, यहां जो होता है उसको हम लिखते हैं मिलियन। इसके थ्री पार्ट होते हैं, एक होता है हंड्रेड थाउजेंड, दूसरा होता है टेन थाउजेंड। दूसरा इसमें आप उसी तरह इसका है हंड्रेड मिलियन, टेन मिलियन और एक मिलियन। तो हर एक के लिए थ्री थ्री पार्ट होते हैं। कोई नंबर दिया हो उससे हम कितने नंबर बना सकते हैं या आपको
सिक्स है, सिक्स नंबर सिक्स, ये सिक्स नंबर है, ये तीन नंबर हम सिक्स नंबर बना लेंगे। ऐसे अगर नंबर दिया हो और इसमें सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है, ये है या इसको लिस्ट भी कहते हैं, ये जो है ये बिगेस्ट, इसको बिगेस्ट भी कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह हमारे अगर कुछ नंबर दिए हो तो उसे हम बहुत सारे नंबर बना सकते हैं। तो इसलिए ये नंबर दिया होगा तो इसे हम नंबर बनाएंगे। अब दूसरा आता है कभी कभी कि आपने, लेकिन आपको ये शो करना होगा, जब तक आप इसे शो नहीं करेंगे हम उसे सही नहीं मानेंगे, इसलिए शो करना जरूरी है। तो असेंडिंग ऑर्डर मींस अरेंजमेंट फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू दी ग्रेटेस्ट। असेंडिंग ऑर्डर का अरेंजमेंट, असेंडिंग ऑर्डर मींस अरेंजमेंट फ्रॉम दिस नॉलेज टू दी ग्रेटेस्ट। डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स अरेंजमेंट फ्रॉम दी ग्रेटेस्ट टू दी स्मॉलेस्ट। ग्रेटेस्ट स्मॉलेस्ट में जो हम अरेंजमेंट करते हैं उसको हम कहते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर, और जो स्मॉलेस्ट से ग्रेटेस्ट में करते हैं उसको हम कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर। इस तरह के आपके बुक में है ये टेंस की जगह पे आपके बुक में है। आपके बुक में टेंस की जगह पे है 1 million इक्वल टू 1 million इक्वल टू डैश 100,000। तो इस तरह आप करके अगर ये सम करते हो
फिर तो हम उसे सही मानेंगे, नहीं तो गलत। तो इसका ध्यान रखना कि अगर आप समय करते हैं इन सबका विशेष ध्यान रखें। अब दूसरा इसमें आता है 1 रुपीज में 100 पैसे, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। अगर ये सारे आपको कम होंगे तो कभी कभी होता है कि सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करो, चाहे मीटर से सेंटीमीटर में, तो कभी कभी ये आते हैं भाई किसको किसमें कन्वर्ट करना है। अगर आपको ये पता होगा तो आप कन्वर्ट करेंगे, अगर आपको पता नहीं होगा तो आप कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए। अब दूसरा आपका इसमें के अकॉर्डिंग एस्टिमेट करना है कि 100 के अकॉर्डिंग, तो आप क्या करेंगे, जैसे एक नंबर है 3 नंबर, तो इनमें सबसे छोटा है 216, ये 100 पे, तो आपको नियरेस्ट 100 किलोमीटर करना पड़ेगा। छोटे वाला जितने का है उसी के अकॉर्डिंग चेक करेंगे। तो 100 को करने के लिए टेंस को देखते हैं, अगर इसके जगह पे 0, 1, 2, 3 को दो, इससे पहले वाले में 100 वाले में कोई इंक्रीमेंट नहीं होता, कोई इंक्रीज नहीं होता। अगर इसके जगह पे 5, 6, 7, 8, 9 हो पहले वाले में, 100 वाले में 1 उसको प्लस करके लिखते हैं, तो यहाँ पे नहीं है। अगर जेंडर रूल नहीं है उसमें गिवन है कि नियरेस्ट 100 करना है, टेंस करना है, नियरेस्ट 100 करना हो तो आप टेंस करना हो तो वंस को देखते हैं, 100 करना है तो टेंस वाले को देखते हैं, तो इसके अकॉर्डिंग इसे सॉल्व करते हैं। तो ये तो अकॉर्डिंग टू एस्टिमेशन है, जहाँ पे कुछ नहीं है जेंडर रूल के अकॉर्डिंग करना है, छोटे वाले जितने का उसी के अकॉर्डिंग। अगर जनरल रूल नहीं लिखे हैं, अगर उसमें लिखा है 100 करना है 1000 करना है, 1000 है तो 100 वाले को देखेंगे, और अगर 1000 की जगह पे 300 हो तो वन सारे को देखेंगे। अब आता है उसमें कौन नहीं कर सकते, ये हो जाएगा 14, ये हो गया 15।
फिर कुछ रहेगा उसमें बी, उसके बाद उसमें आ जाएगा। तो ये होता है रोमन नंबर। तो इसके अकॉर्डिंग भी नंबर लिखे जाते हैं। तो चैप्टर वन में यही है, इसी के अकॉर्डिंग आपको सब कुछ करना पड़ेगा। तो ये सभी नंबर है। तो इसके हिसाब से हमें जो कुछ उसमें करना है रोमन नंबर लिखना है तो आप लिख सकते हैं ऐसे। जैसे रोमन नंबर लिख रहे हैं 98 है, तो आप कैसे लिखेंगे 98, पहले 90 फिर 8, 90 होता है और 8 89 लिखना हो तो क्या करेंगे, पहले 80 फिर 9, ये हो गया 18 है। तो ये का ध्यान रखते हैं, इसके अकॉर्डिंग रोमन नंबर आते हैं। तो ये हो गया आपका रोमन नंबर बेस्ड नेशन भी इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग नंबर्स नहीं और इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर स्मॉलेस्ट ग्रेटेस्ट नंबर है। जो नंबर कुछ गिवन होते हैं उसे हम कैसे नंबर बना सकते हैं, हमारे नंबर क्या है 1 से लेकर 9 और 18। तो ये सभी होते हैं हमारे। तो इस तरह ये सभी आप सोल्व करेंगे।